बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजी का एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। यानी कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे डेटाबेसिस डेवलप किए गए हैं जिससे कि जब हम रिसर्च करते हैं ना तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाता है, तो उन डेटा को स्टोर करने की प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए डेटाबेसिस बनाए गए हैं जहाँ पे डेली जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है अराउंड द वर्ल्ड। एंड इसी तरह से NCBI डेटाबेस है, DDBJ है, EMVL है, ये तीन जो है डेटाबेसिस हैं जिनमें डेली जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है इसका और भी जगह यूज़ है, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, सिक्वेंसिंग, बहुत सारी फील्ड्स में जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्लाई की जा रही है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स अगर आपको इसकी नॉलेज है, अगर आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, आर, पर्ल, पाइथन, ये सब, तो आप नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को ट्रेन कर सकते हैं। एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इनकम भी कर रहे हैं लोग। तो आज मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड ही एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, सिक्वेंसिंग बेस्ड जो टॉपिक है। तो RNA सिक्वेंसिंग है आज का टॉपिक, और उसमें जो जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है RNA सीक्वेंस डेटा एनालिसिस, यानी RNA की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और उसके डेटा को किस तरह से एनालाइज करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टेप होता है RNA सीक्वेंसिंग डेटा एनालिसिस में, वो होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि उसको डिवाइड किया जाता है, एनालिसिस में डिवाइड करने से पहले, यानी उसको एनालाइज करने से पहले जो है RNA सीक्वेंसिंग डेटा को, उसको प्री प्रोसेसिंग की जाती है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है अगर कोई कंटामिनेशन है, अगर कोई वेक्टर अडैप्टर लगे हुए हैं तो उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसीलिए पहला स्टेप होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ये फर्स्ट टूल है फास्टा QC। ये क्वालिटी कंट्रोल करता है रो सिक्वेंसिंग डेटा की, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है वो रो होता है, उसके साथ और भी कंटामिनेशन हो सकती हैं, तो उन सब के रिमूवल के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेटा की फास्ट QC जो है टूल यूज़ किया जाता है। दूसरा जो टूल है वो है ट्राइमेटिक और क्यूटाडेप्ट, और ये यूज़ किया जाता है अगर कोई अडेप्टर हमने सिक्वेंसिंग के टाइम पे यूज़ किया था उसको ट्रीम करने के लिए, एंड लो क्वालिटी के अगर रीड्स अवेलेबल होते हैं तो उनको फ़िल्टर करने के लिए, ताकि जो हमारे पास डेटा हो वो एक्यूरेट हो और अच्छी क्वालिटी का हमें मिले। तो इसीलिए हम जो है पहला स्टेप करते हैं प्री प्रोसेसिंग। देन क्या होता है, अलाइनमेंट करेंगे। सेकेंड स्टेप जो है वो अलाइनमेंट करेंगे रेफरेंस जीनोम से। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हम मैच करते हैं, हमारा जो रेफरेंस जीनोम होता है और जो हमारा क्वेरी सीक्वेंस होता है उन दोनों को हम मैच, उन दोनों को अलाइन करते हैं। एंड अलाइन से क्या पता चलता है कि वो कितना परसेंट जो है वो मैच कर रहे हैं। तो ये एक फंडामेंटल स्टेप होता है। एंड इसमें जो टूल यूज़ किए जाते हैं वो होता है स्टार, HZ2 और टॉफेट। तो ये अलाइनमेंट के लिए जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल का यूज़ किया जाता है। इनका काम होता है कि जो भी हमारे पास रीड्स हैं जिनकी हमने क्वालिटी को इम्प्रूव किया है उनको फिर अलाइन कर देना रेफरेंस जीनोम के साथ। अब रेफरेंस जीनोम क्या होते हैं, यानी जिनसे हम कंपेयर करेंगे, वो ह्यूमन जीनोम भी हो सकता है, एनिमल जीनोम हो सकता है, प्लांट जीनोम हो सकता है, जिससे भी हम कंपेयर करना चाह रहे हैं उसको एज अ रेफरेंस जीनोम लेंगे। थर्ड जो स्टेप है वो है क्वांटिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि हम क्वांटिफाई करेंगे जीन एक्सप्रेशन लेवल को। हम ये देखेंगे कि कौन सा जीन जो है इस डेटा में, सिक्वेंसिंग जो डेटा है इसमें एक्टिव है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो है फीचर काउंट्स, ST-Seq और स्ट्रिंग टाई। तो ये क्या करते हैं, ये उन नंबर ऑफ रीड्स को जो है काउंट करते हैं जिनके अंदर जीन्स एक्टिव होते हैं। तो ये क्वांटिफिकेशन का काम करते हैं जीन एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो होता है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं जीन, हमने ये तो देख लिया कि कौन से जीन एक्टिव हैं, और जब हमें ये पता चल गया कि कौन से जीन एक्टिव हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट में कौन से लो एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन से हाई एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन से बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये होता है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। तो
बिटवीन कंडीशंस जो है डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसका नाम है डी सिक्विट टू एंड एडजे आर लाइमा बोन। ये जो है टूल्स सिर्फ डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स को ही जो है फाइंड आउट करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सा जीन जो है वो हाईली एक्सप्रेस कर रहा है उसकी लिस्ट दे देंगे, और कौन सा जीन जो है वो लो एक्सप्रेस कर रहा है उसकी पूरी डिटेल ये प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो होगा आरएनए सीक्वेंसिंग में फंक्शनल इनरिचमेंट एनालिसिस। अब हम बायोलॉजिकल, अब देखिए कि जो जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं डिफरेंशियली उनका फंक्शन क्या है, क्योंकि जीन है पहले तो वह एक्सप्रेस करेंगे, उनका एक लेवल होगा एक्सप्रेशन का, हाई होगा लो होगा। अब उनमें भी जो एक्सप्रेस कर रहे हैं चाहे सारे ही, चाहे लो है या हाई है, उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, क्या कर रहे हैं। कोई जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो है क्या फंक्शन है उसका। इसके लिए जो टूल यूज़ किए जाते हैं उनका नाम है इनरिचर, डेविड और प्रोफाइलर। इनका काम है कि जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं इन जीन का उसको डिटरमाइन करना। उसके बाद होता है सिक्स स्टेप पाथवे एनालिसिस। इसमें हम पाथवे देखते हैं कि अगर इन जीन के एक्सप्रेशन में कोई चेंज आता है, अगर हाई एक्सप्रेस कर रहा है कोई जीन तो फिर क्या पाथवे होगा, अगर लो एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या पाथवे होगा, तो वो पाथवे एनालाइज करते हैं। अब ये पाथवे यानी कोई बायोकेमिकल पाथवे में इन्वॉल्व है, कोई मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, किस पाथवे में वो इन्वॉल्व है, तो कौन से टूल हैं। सबसे जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो कैग है। इसके अलावा जो है एनजीनिटी पाथवे एनालिसिस है, आईपीए बोलते हैं इसको, और रिएक्टोम। इनका काम होता है पाथवे को एनालाइज करना कि जो हमारा जीन है ना, जो अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर उनके एक्सप्रेशन में कोई चेंज होता है तो वो किस पाथवे को फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप सेवन स्टेप है विजुलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब जो हमारा डेटा है इसको हमने विजुलाइज करना है और उसको इंटरप्रेट करना है कि ये डेटा एक्चुअल में बोल क्या रहा है, एक्चुअल में रिजल्ट्स क्या हैं हमारे, इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है आर पैकेज है, हीट मैप टू है, जिससे कि हम प्लॉट क्रिएट करते हैं, जिससे हम ग्राफ बनाते हैं ना एक्सेल वगैरह में, उसी तरह से इसमें प्लॉट्स बनेंगे और हम विजुलाइजेशन करेंगे, क्योंकि उसमें वो हमें बता देगा। पहले तो हमें जो है डिफरेंशियली जीन एक्सप्रेशन का डेटा पता चल जाएगा, कौन सा हाईली एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा लो एक्सप्रेस कर रहा है ग्राफ की हेल्प से, फिर उनके कौन कौन से पाथवे हैं। देन दूसरा होता है इंटीग्रेटिव जीनोमिक्स व्यूअर या जीनोम ब्राउज। ये क्या करते हैं, जो अलाइन रीड हैं उनको व्यू करते हैं, या अदर जीनोमिक जो डेटा होता है उसको भी ये व्यू करते हैं। एट स्टेप होता है वैलिडेशन, जो आपकी वैलिड, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू सिर्फ हम जो है हमें डेटा मिलता है, हमें रिजल्ट मिलते हैं, बट उन रिजल्ट को हमें उसके बाद वैलिडेट करना होता है, तो उसके लिए हम जो है बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लैब में। तो उसके लिए हम वैलिडेशन करेंगे या तो QPCR के थ्रू, ठीक है, और या फिर फंक्शनल एसे के थ्रू। तो यहाँ पे लेबोरेटरी इक्विपमेंट, रिएजेंट्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे, जिससे कि हम जो है अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये सारा जो है यहाँ पर सेवन स्टेप तक जो है वो कंप्यूटर में होता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स से होता है। देन वैलिडेशन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी रिसर्च को वैलिडेट नहीं करेंगे तो वो मानी नहीं जाती है। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा रिपोर्टिंग एंड पब्लिकेशन। तो जब आरएनए सीक्वेंसिंग के डेटा जो है वैलिडेट हो जाएगा, देन हम उन रिजल्ट्स को कंपाइल करेंगे एंड हम एक पेपर लिखेंगे जिसमें सब कुछ टेक्निक्स जो हमने यूज़ करी हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर जो उनसे रिजल्ट्स मिले हैं उन रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करेंगे, उनसे हम डिस्कस करेंगे कि क्या पहले जो ये रिसर्च अगर हो चुकी है कहीं, उनसे कंपेयर करेंगे और इस तरह से जो है हम फिर पब्लिकेशन के लिए उसको भेज देंगे। अगर हमने साइंटिफिक राइटिंग करनी है तो उसके लिए लेटेक्स का यूज़ कर सकते हैं टूल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए। तो अब जो है हम राइट करेंगे एंड फॉर्मेट करेंगे रिपोर्ट को। तो इस तरह से जो है एक आरएनए सीक्वेंसिंग जो है डेटा एनालिसिस पूरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।